सुकू भाई दस गरंटियां किथे पाई। 15 साल श्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश से आ रही आवाज, छत्तीसगढ़ से आई आवाज बीजेपी जिंदाबाद, राजस्थान से आई आवाज बीजेपी जिंदाबाद। देखिए, गारंटियां तो कांग्रेस के गले में पड़ी है, हम तो उनको याद दिला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का एक साल का कार्यकाल बीता और विधानसभा के चुनाव से पहले लगातार इनके, चाहे वो राष्ट्रीय नेता थे, चाहे वो प्रदेश के नेता थे, चाहे वो विपक्ष के उस वक्त के नेता थे, चाहे वो वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, बात एक ही कहते थे, कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपये दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1,00,000 बेरोजगारों को नौकरियां निकाल दी जाएंगी। और पंजाबी में बोला था उस वक्त के जो लीडर ऑफ अपोजिशन, पंजाबी मुझे आती नहीं तो इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हर गारंटी का जिक्र उनने कहा था, कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय कर दिया जाएगा। अब तो साल बीत गया और साल बीतने के बावजूद भी अभी तक व्यवहारिक रूप से एक भी गारंटी पूरी नहीं है, ये हमारा आरोप है। और ये आरोप हमारा ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश में जिस जनता जनार्दन ने उनको समर्थन सहयोग दे करके सरकार में लाया था, उम्मीद के साथ कि गारंटियां बोली हैं तो गारंटियां पूरी की जाएंगी, लेकिन एक साल बीतने के बावजूद भी गारंटियां पूरी नहीं हुई। और इसलिए हम इस बात को पूछ रहे कि क्या हुआ उस गारंटी का जो 1500 रुपये हर महिला को दिसंबर महीने में सरकार बनेगी, जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी ये कहा था, क्या हुआ उस गारंटी का जहां उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे, क्या हुआ उस गारंटी का जहां कहा था कि 5 साल में 5,00,000 नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, और कैबिनेट की पहली बैठक में 1,00,000 नौकरियां कर दी जाएंगी। फिक्र ना करो ये बोला था उन्होंने, ये भाषण उन्होंने सब लोगों ने दिया है। ये कहा था गोबर 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा, ये भी बोला था कि दूध जो है गाय का 80 रुपये लीटर और उसके बाद भैंस का 100 रुपये लीटर, ये भी कहा था उनने। और उसके अतिरिक्त कॉर्पस फंड बना करके नौजवानों को, उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए कहा था, और उसमें 680 करोड़ रुपये का उन्होंने जिक्र किया था। ऐसी 10 गारंटियां जो दी थी उनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं की। और अब ये भाना ये एक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए कहा था। आप इनका पिछला भाषण सुने, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी ने बात कही है, चाहे इनके प्रभारी ने बात की है, चाहे वो सुक्खू जी ने बात कही है, चाहे वो मुकेश जी ने बात की है, पहली कैबिनेट की पहली बैठक यही कहते रहे। और आज हम इनको जो याद दिलाने जा रहे हैं कि जो आपने कहा था वो आपने किया नहीं। और गारंटियों का हश्र आप लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, गारंटियों का हश्र राजस्थान में आपने लोगों ने देख लिया क्या हुआ। गारंटी सिर्फ एक नेता की देश में मान्य है, जिस पर लोगों का भरोसा है, विश्वास है, और वो गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की, यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो आज हम यहाँ विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि अब कोई बहाना नहीं,
पहले 6 महीने रोते रहे कि लोन ले लिया, जैसे कि कांग्रेस की सरकार जो है वो लोन ले ही नहीं रही है। सारे तमाम रिकॉर्ड टूट गए पिछले लोन लेने के, 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन 12 महीने में ले लिया, इतना रिकॉर्ड आज तक का किसी सरकार का नहीं है। और उसके अलावा जो बेरोजगारों को कहा था कि नौकरी देंगे, उल्टा 10,000 से ज्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बहाना कर रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए कहा था, अभी 4 साल बाकी है। और दूसरी बात और कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई और त्रासदी के कारण जो है अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इस प्रकार से बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ही बात कह रहे हैं, वादा किया था, गारंटी दी थी, तो गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई? लोग इस बात को पूछ रहे हैं, जनता इस बात को पूछ रही है, इसका जवाब दें। इसलिए आज हमने विधानसभा के मानसून के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मशाला पहले दिन अपनी शुरुआत की है। जो गारंटियां आपने दी थी उन गारंटियों का क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां जारी की थी और चीख चीख करके कांग्रेस के प्रदेश के और केंद्र के नेता इनके बोल रहे थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में जो हमने गारंटियां दी कि उनको पूरा करेंगे, और एक साल बीतने के बाद एक भी गारंटी जब पूरी नहीं हुई तो हम आज पूछ रहे हैं उनसे कि क्या हुआ उन गारंटियों का जो कहा था आपने कि कैबिनेट की पहली बैठक में उन गारंटियों को पूरा करेंगे। और उस दृष्टि से आज विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी, उन गारंटियों का क्या हुआ? क्या हुआ उस गारंटी का जो 1500 महिलाओं को देने की बात कही थी आपने जनवरी महीने से, एक भी महिला को अभी तक नहीं मिला? क्या हुआ उस गारंटी का जो आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी? क्या हुआ उस गारंटी का जो आपने 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की बात कही थी? क्या हुआ उस गारंटी का जो आपने कहा था कि 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और बेरोजगारों को नौकरी देंगे? एक साल में एक नौकरी मिली नहीं, 10,000 से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में लगे वो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, 7 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है, चारों तरफ विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। और ऐसे में ये त्रासदी का रोना, और त्रासदी के रोने के बाद विचित्र लगता है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई जहाँ 500 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी चले गई, इतनी बड़ी त्रासदी हुई 15,000 के लगभग हिमाचल प्रदेश में लोग बेघर हो गए, जिनके घर चले गए, लेकिन सरकार एक साल की एक उपलब्धि ना होने के बावजूद भी जश्न मना रही है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर रही है, पूरे प्रदेश भर से लोगों को डो डो करके लाया, और उसमें भी झूठ बोल करके कि हिमाचल प्रदेश की एक साल की सरकार का जश्न धर्मशाला में मनाया जाएगा, राहुल गांधी उसमें आएंगे, प्रियंका गांधी उसमें आएंगी। ना राहुल आए ना प्रियंका आई, प्रियंका शिमला में धूप सेकती रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि झूठ बोल करके जो हमने सत्ता हासिल कर ली है अब मुंह दिखाने के लायक नहीं है, उपलब्धि के नाम पर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। इसलिए इन सारी बातों का जवाब आज कांग्रेस के सरकार से हम पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री कैसे, क्या ये चरण की बात कर रहे हैं? कितने चरण होंगे सर? चरण तो ओपीएस भी अभी लागू हुई क्या? बात तो ये है उन्हें प्रोसेस शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद उसकी सारी चीज़ों को लेकर के अभी आने वाले समय में उसका मालूम पड़ेगा कितनी लागू हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा कि जो गारंटियाँ जिसके बलबूते सत्ता में आए थे उसमें से एक भी गारंटी पूरी हुई नहीं। थैंक यू।